88,000 ऋषियों की तपोभूमि नैमिषारण्य में स्थित जगत जननी मां ललिता देवी मंदिर में प्रतिदिन देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां दर्शन और पूजन के लिए पहुंचते हैं और मां का आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं। माता के इस पावन शक्तिपीठ के दर्शन के लिए वैसे तो पूरे वर्ष भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन नवरात्रि के दिनों में यहाँ का महात्मन्य और भी बढ़ जाता है, क्योंकि नवरात्रि के 9 दिन मां की उपासना का दिन है और ऐसे में शक्तिपीठों के दर्शन और पूजन से विशेष लाभ प्राप्त होता है। मां की विशेष साधना के लिए नवरात्रि में भारी संख्या में भक्त दूर दूर से यहां पहुंचते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में रोजाना माता का द्रव्य श्रृंगार भी किया जाता है। सुबह और शाम पूरे विधि विधान के साथ देवी की पूजा अर्चना की जाती है। मंदिर में नवरात्रि के पहले दिन यानी कि आज भी भक्तों का तांता लगा हुआ है। मंदिर में भक्तों की लंबी लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं। दिवस दर्शन करने का विशेष रहता है। यह पर्व हमारे सनातन धर्म की संस्कृति का बहुत ही प्रतीक माना गया है और आज नववर्ष भी है, चैत्र मास का प्रथम दिवस है और आज जो है प्रथम दर्शन करना चाहिए माता जी का। ये ललिता देवी आज शक्तिपीठ नैमिषारण्य की हैं और बहुत ही प्राचीन विधान रहा है, शुरू से चलता आया है यहाँ पे नैमिषारण्य में। बहुत ही आदि शक्तिपीठ है यहाँ पे, क्योंकि जब सती माता का समझ लीजिए एक तरीके से अंत हुआ था तो शंकर भगवान को लेके इधर उधर भ्रमण किए थे, यहाँ पे माता जी का लिंग गिरा हुआ था, इसलिए इनको लिंग धाड़ी ललिता देवी बोलते हैं यहाँ पे। माता जी का मनोकामना जो मानो माता जी पूरी करती है, सच्चा दरबार माता जी का है और सच्चे दिल से माता जी यहाँ तपोभूमि है, इसी में तपस्या की है। यहाँ में भगवान जो मनोकामना मानो माता जी वही मनोकामना पूरी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।